अब हम शुरू करते हैं एक हेल्थ से भरपूर क्विक न्यूट्री चार्ट के साथ। तो ओके शुरू करें, बिल्कुल सबसे पहले काटते हैं हम खीरा। ओके इसके लिए हमने खीरे को पील करके रखा हुआ है जी और हम इसको यूज कर रहे हैं सैलेड में। ओके इसको बीच से काटिए जी और इसके और यहाँ से और इसके जितने भी बीज हैं आप वो निकाल लें। बड़ा ही आसान तरीका है। बिल्कुल ये सारे बीज बाहर आ गए। जी साहिल, आप जैसे खीरा काट रहे हैं आप देख ही रहे होंगे कि इसमें वाटर कंटेंट काफी ज्यादा है, बिल्कुल। तो गर्मियों के दिनों में स्पेशली जब हमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो इस तरह के फल या सब्जियां जिसमें ज्यादा पानी होता है वो हमें जरूर कंज्यूम करना चाहिए। हाँ जी, एकदम सही कहा आपने। और आप देख ही रहे हैं कि खीरा जो है मैं एक अलग तरीके से काट रहा हूँ बिल्कुल ताकि उसको अलग सी शक्ल मिले एक जी और देखने में अच्छा लगे। और राइट इस सबको हम डालते हैं एक बोल में। ओके आज तो मुझे यहाँ काफी चीजें दिखाई दे रही हैं हमारी किचन में। बिल्कुल दीपिका, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चाट बना रहा हूँ जी तो उसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स आपको पता लगेगा। इसी के साथ हम काटते हैं प्याज जी और जो खीरा था आपने देखा मैंने सिर्फ आधा खीरा इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं डालने के बिल्कुल लिए। और प्याज भी मैं अलग ढंग से काट रहा हूँ। इसको जरा इतना काटिए प्याज को ओके और ज्यादा प्याज नहीं डाल रहा हूँ। काफी कम आपने हाँ प्याज, जी, सिर्फ दो टुकड़े। और प्याज के आप ये ऐसे क्योंकि फ्लेक्स निकाल लें और ये अच्छा डालें अलग अलग करके, जी तो क्योंकि ज्यादा प्याज अगर मुंह में आता है एक जी साथ तो वो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ठीक कहा आपने, टेस्ट खराब करता है थोड़ा। तो राइट इतना प्याज काफी है। ओके अब हम डालते हैं इसमें टमाटर जी और जो भी आप इसमें डालेंगे उसमें बीज नहीं होना चाहिए। जी टमाटर की पहले आइज निकाल लीजिए जो जी एडिबल पार्ट होता है। साहिल, जैसे आपने बीज के बारे में बात की, हाँ जी, यूरिक एसिड, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है, यूरिक एसिड ज्यादा रहता है उनको हाँ जी, बीज नहीं खाने चाहिए, बिल्कुल, या जिनको स्टोन ज्यादा बनता है हाँ जी, जैसे पथरी की शिकायत जिसे आप कहते हैं, तो उन लोगों को बीज बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। जैसे आपने टमाटर के बीज निकाल दिए, इसी तरह बैंगन के बीज, तो बीज वाली सब्जियों में से उनको बीज जरूर निकाल देने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर देखें कि मुझे कुछ छोटा छोटा नहीं काट रहा, मैं बड़ा बड़ा काट रहा हूँ ताकि जी टमाटर भी दिखे, बिल्कुल प्याज भी दिखे और जी खीरा भी दिखे। राइट और आप सिर्फ बीज निकाल करके इसके दो हिस्से कर दें, जी इतना काफी है। राइट मेरा ये मानना है कि सैलेड आपको अपने दोपहर के खाने से 1-1.5 घंटा पहले खा लेना चाहिए। हाँ जी, एक तो उस समय आपको भूख लगी होती है, आप सैलेड खाते हैं जो कि हेल्दी होता है, ज्यादातर कच्ची सब्जियों से बनाया जाता है, हाँ जी, आपको हेल्थ मिलता है, साथ साथ थोड़ा आपका पेट भी भर जाता है, तो आप बहुत ज्यादा पेट भर के खाना नहीं खाते, बिल्कुल। क्योंकि हम जब भी हम हमें खाना खाना चाहिए, हमें पूरा पेट भर के नहीं खाना चाहिए। तो आपने देखा कि मैंने इसमें आलू भी डाल दिया है जी और आलू डाला है तकरीबन 100 ग्राम, एक छोटा जी आलू ले लें जी आप। जी और आलू को हमने बॉईल करके रखा हुआ है, उसमें राइट नमक डाला था पानी में और जी फिर उसको छील लिया था। जी तो अब मैं डाल ये रहा हूँ इसमें चिकपीस यानी जी कि चने चने, जी जिसको हमने रात भर भिगो करके रखा था जी नमक वाले पानी के साथ और फिर उसको प्रेशर कुकर में हमने एक सीटी दी थी जी ताकि वो थोड़े पक जाए। राइट और ये तकरीबन मैंने डाले हैं 2 से 3 चम्मच। जी अब मैं डाल रहा हूँ राइस पफ्स ओके यानी कि ये जो चावल है जी उसको भिगो करके आप ओवन में अगर डालते हैं तो ये उठ जाते हैं, मुरमुरे भी कहा जी जाता है इन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, बाजार में ये बने बनाए भी मिलते हैं। हाँ जी। साहिल, आपने इसमें चने डाले, चने जो हैं बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और 1 चम्मच डाला है स्प्राउट्स का। ओके स्प्राउट्स को मैंने रात को भिगो के रख दिया था जी और थोड़ी गरम टेम्परेचर में रखा था ताकि जी इनके अंकुर फूट जाए और बिल्कुल ये और ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाए। बिल्कुल ठीक, जैसे कोई दाल को हम अंकुरित करते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन काफी मात्रा में बढ़ जाता है, हाँ जी, तो मैं देख सकती हूँ कि आप इसको कितना न्यूट्रिशियस बना रहे हैं। राइट, और क्रंची भी। बिल्कुल राइस पफ्स, अब मैंने डाले कॉर्नफ्लेक्स जी और अब हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा धनिया, ओके मेरा फेवरेट, जैसा जी कि मैं हमेशा बोलता हूँ। बिल्कुल इसका एक खास फ्लेवर है जो कि चाट में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। अब डाल रहा हूँ मैं मिंट जी 1 चम्मच। ओके ये इसलिए डाल रहा हूँ कि इसमें एक फ्रेशनेस आए। जी बिल्कुल पोटैटो चिप्स जो कि ओके तले हुए नहीं है लेकिन बेक्ड हैं, जी हेल्दी ट्विस्ट जैसे कि हम बोलते हैं, हमारी सैलेड एकदम हेल्दी रहेगी। बिल्कुल इसको अगर आप तीखा करना चाहते हैं तो करिए थोड़ी ग्रीन चिली के साथ, हरी ओके मिर्च एक जी डाल सकते हैं आप, ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ी और डाल दें जैसे जी मुझे पसंद है। जी मैंने डाला है इसमें नमक स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्च, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको ना डालें। जी मैं ये फ्रेशली क्रश्ड यानी कि ताजी पिसी हुई काली मिर्च जरूर डालता हूँ थोड़ी जी सी। बिल्कुल और इसमें डाल रहे हैं हम थोड़ा सा चाट मसाला ओके
आप चाहें तो इसको आप अपना भी हेल्दी ट्विस्ट दे सकते हैं। अगर घर में राजमा है उबली हुई, तो आप चने की जगह राजमा डाल सकते हैं, मूंग स्प्राउट की जगह आप चना स्प्राउट डाल सकते हैं, मोर स्प्राउट डाल सकते हैं। अब डालते हैं फिनिशिंग के लिए इसमें थोड़ा सा लेमन जूस। जरूर। तो हमने लेमन वहां पर काट के रखा हुआ है, ये लीजिए। साहिल, हमने जैसे बात की कि हम खाने को ज्यादा भूनते हैं, ज्यादा पकाते हैं, हाँ जी, तो आपने ये सैलेड बनाया जिसमें हमें बिल्कुल इसको पकाने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। राइट दीपिका, ये मैं एक इंटरेस्टिंग सा, जैसे मैंने आपको बताया था, सैलेड बना रहा हूँ जी और मैं बना रहा हूँ अपने तरीके से, बिल्कुल और मैं पहुंचाना चाहता हूँ अपने दर्शकों तक, बिल्कुल ताकि वो भी स्वाद के साथ हेल्थ पे भी ध्यान दे सके। बिल्कुल और एक फिनिशिंग टच, जी इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ओटमील कुकीज। ओके राइट, ये ओटमील की बनी है तो जी, एकदम क्रंची है, बिल्कुल। और ओटमील से मतलब है दलिया। साहिल, ओट एक अलग ग्रेन होता है जिसको जई कहा जाता है, और बिल्कुल ओट जो है आपके हार्ट यानी आपके दिल के लिए बहुत ही अच्छा है। सही का। अब हमने इसमें अपनी ड्रेसिंग यानी कि लेमन जूस, थोड़ा जी नींबू का रस डाल दिया है, जी इसको हिलाया है, और इसको आप ऐसे टॉस कर लें थोड़ा, जी ताकि सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं। हाँ जी, अच्छी तरह से। और एक निकालिए प्लेट या जी, बोल इसमें को डालने के लिए, ये लीजिए। इसको अब हम डालते हैं, और जैसा कि मैंने आपको कहा था जी ये आप जो सैलेड है खाने से पहले खा सकते हैं, जी किसी भी वक्त खाएं, इनफैक्ट बिल्कुल शाम को चाय आपको आप पी रहे हैं, आपको कुछ भूख लगी है, जी कुछ खाना चाहते हैं, जी इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। धनिया थोड़ा ज्यादा, क्योंकि साहिल को धनिया बहुत पसंद है, और थोड़ा सा हम डालेंगे पुदीना। तो लीजिए, तैयार है क्विक न्यूट्री चाट। न्यूट्री चाट बनाने के लिए हमें चाहिए आधा मीडियम खीरा, एक चौथाई प्याज, एक मीडियम टमाटर, एक चौथाई आलू उबला हुआ, दो बड़े चम्मच सफेद चना, तीन बड़े चम्मच मुरमुरे, एक बड़ा चम्मच अंकुरित मूंग दाल, दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लेक्स, दो ओटमील कुकीज, दो बड़े चम्मच आलू के चिप्स, एक बड़ा चम्मच धनिया पत्ता, एक बड़ा चम्मच पुदीना पत्ता, एक चम्मच हरी मिर्च, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, डेढ़ चम्मच नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार। सभी सामग्री को एक बॉल में डालें। अब स्वाद अनुसार मसाले डालकर अच्छे से मिलाएं और परोसें।